पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर का मुद्दा दुनिया के कई देशों के सामने उठा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ रही है। अलग अलग मंचों से नाकामी मिलने के बाद इमरान अब हार भी मान चुके हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अपने प्रयासों में विफल रहा है। इमरान खान ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निराश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें फादर ऑफ इंडिया बता दिया। उनके इसी बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे प्रियांक खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या अब अमेरिकी ही ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रपिता कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिजनेस जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ग्लोबल बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कई कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ मुलाकात और इंडिया कैरिकॉम के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन ने ईसाई लड़कियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, जिन्हें आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुरियन के मुताबिक ईसाई समुदाय इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। मोदी सरकार ने तीन तलाक को जुर्म घोषित करने और सजा मुकर्रर करने संबंधी कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिना तलाक की छूट दी गई हिंदू महिलाओं को इंसाफ दिलाने और इस दिशा में कानून बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू परित्यक्ता महिलाओं को भी ऐसा ही न्याय दिलाया जाएगा। शाहजहांपुर केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की पर चिन्मयानंद से उगाही करने का आरोप था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद लड़की और उसके तीन साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पंजाब के तरन तारण में पिछले दिनों हुए ब्लास्ट के बाद हो रही जांच में नई जानकारी मिली है कि ISI 26/11 जैसे हमले की तैयारी में थी। तरन तारण से पकड़े गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के टेरर मॉड्यूल को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले की योजना को आगे बढ़ाते हुए ड्रोन के जरिए पंजाब में AK-47 राइफल और भारी मात्रा में मैगजीन कारतूस पहुँचाए गए थे। बालाकोट में फिर से आतंकियों के सक्रिय होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिक्र ना करें, हमारी सेना तैयार है। तरनतारन ड्रोन केस पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खत पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जवान तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के एक्सचेंज मैन के नाम से मशहूर जिग्नेश शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिग्नेश शाह की कंपनी लाफन फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जिग्नेश शाह ने NCLAT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए बेहतर सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। इसके लिए 27 सितंबर यानी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक है।